पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इस बार पूरे परिवार के साथ धूमधाम से छठ पूजा की। इस बार अपने घर में बने स्विमिंग पूल में ही लालू परिवार ने छठ पूजा मनाया। बहुत अरसे बाद छठ पूजा पर लालू यादव का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के साथ मिलकर छठ पूजा के लिए पकवान तैयार किया। लालू यादव ने भी भगवान भास्कर को दूध से अर्घ दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर धूमधाम से छठ मनाया गया। छठ पूजा के पारण के बाद लालू यादव ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोल दिया। लालू ने कहा कि कोई कुछ भी करे लेकिन गुजरात में बीजेपी का हारना तय है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास पर छठ महापर्व की धूम रही। रात भर विदेशिया कार्यक्रम चला। भिखारी ठाकुर की भूमि से आए कलाकारों की टोली ने उनके आवास पर विदेशिया की प्रस्तुति दी है। लालू यादव ने कहा कि छठ में सारी रात जागना पड़ता है। उन्होंने कहा कि छठ भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व है। महापर्व छठ के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस पर्व का समापन हो गया। छठ पूजा के पारण के दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भगवान भास्कर की पूजा की। उनके सरकारी आवास पर परंपरागत तरीके से छठ मनाई गई। नीतीश कुमार ने दूध से भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौधरी ने भी पूरे परिवार के साथ छठ पूजा की है। उनकी पत्नी ने छठ का कठिन व्रत किया था। चौधरी ने उदयांचल सूर्य को अर्घ प्रदान किया और इस खास मौके पर अशोक चौधरी का पूरा परिवार मौजूद था। बिहार में छठ पूजा के दौरान अलग अलग घटनाओं में करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत डूबने से हुई है। बांका, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में हुए हादसे में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लालू यादव के कन्हैया तेज प्रताप यादव ने अपनी शादी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। तेज प्रताप ने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि शादी होनी ही है और जल्दी ही होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छठ को लेकर गलत बोलने वाले को छठी मैया सद्बुद्धि दे। तेजस्वी ने सुशील मोदी का नाम लिए बिना इशारों में ही उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग छठ पर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, छठी मैया उन्हें भी माफ करे। बिहार का सबसे बड़ा सियासी परिवार इन दिनों बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहा है। इसी सिलसिले में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले खराब सेहत का हवाला देकर राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश नहीं हो रही थी, लेकिन छठ पूजा के बाद राबड़ी देवी दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ने लालू परिवार के लिए जो अशोभनीय बातें कही हैं, इसके लिए छठी मैया उन्हें सजा देगी। राबड़ी ने कहा कि सुशील मोदी की टिप्पणी से पूरे बिहार की जनता आहत हुई है। दरअसल सुशील मोदी ने ट्वीट किया था कि पाप की कमाई से कोई भी पूजा सफल नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।